वेलकम स्टूडेंट। सो लास्ट क्लास में हमने एंड किया था अबाउट जावा इंट्रोडक्शन। अबाउट तो हमने जो भी इससे पहले पढ़ा था कि जावा की हिस्ट्री क्या रही है, टाइप्स ऑफ जावा प्रोग्राम, कमेंट्स एंड ऑल। सो इस क्लास में हम बेसिकली प्रैक्टिकल्स थोड़े से हल्के फुल्के करेंगे ब्लू जे के बारे में। सो ब्लू जे बेसिकली क्या है? ब्लू जे इज़ ए जावा डेवलपमेंट एनवायरमेंट, मतलब जहाँ पर जावा के प्रोग्राम्स आप लिख सकते हो वो एक एनवायरमेंट है, जो एक पूरा एक एनवायरनमेंट देता है जहाँ पे आप प्रोग्राम लिख के कंपाइल कर सकते हो समथिंग, ठीक है ना। और इट वॉज डिज़ाइन बाय अ टीम एट मोनाश यूनिवर्सिटी, ठीक है, मेलबर्न और ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। सो बेसिकली इट्स अ आईडी मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एक एनवायरनमेंट जहाँ पे सब कुछ एक साथ तुमको मिल जाए, जहाँ पे तुम चीज़ों जाओ के प्रोग्राम को लिख सको, कंपाइल कर सको, देख सको, एडिट कर सको और अपने प्रॉब्लम्स को फिगर आउट कर सको, यानी डीबग कर सको, ठीक है ना। इसमें क्या क्या फीचर्स हैं? इट्स एन एडिटर विच यू कैन यूज टू राइट योर प्रोग्राम, इट्स अ डीबगर जो आपके अपने मिस्टेक्स आपको ऑटोमेटिकली बता देगा किस लाइन में आप मिस्टेक्स कर रहे हो, ठीक है। और इट्स अ व्यूअर, यू कैन अपने प्रोग्राम को देख सकते हो, पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम को, ठीक। तो इट्स जस्ट एन आईडी, ऐसी दुनिया में बहुत सारे आईडीज हैं, ब्लूजे इज वन ऑफ द फ्री आईडीज, इसलिए बहुत यूज किया जाता है स्कूल्स में, ओके। पेड आईडीज भी होते हैं जो पैसे लगते हैं, वो और भी इनसे बेटर होते हैं, जैसे मैंने बताया था नेटबीन्स, इक्लिप्स एंड ऑल, ठीक है ना। तो इट्स जस्ट एन, तो ब्लूजे में हम ब्लूजे में आप क्या क्या पढ़ेंगे और वो चीज़ मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि पहले तो ब्लूजे में ब्लूजे को ढूंढ कैसे ढूंढते हैं, इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो विंडोज़ और मैक ओएस पे जाओ, स्टार्ट बटन क्लिक करो, ठीक है ना, और वहाँ पे ब्लूजे वर्ड्स ढूंढो और आपको मिल जाएगा और उस प्रोग्राम को क्लिक करो, ठीक। अब एक बार प्रोग्राम लिखने के बाद जावा प्रोग्राम उसमें लिखते कैसे हैं, सो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जब आपका ब्लूजे का एनवायरनमेंट खुल जाए तो उसमें न्यू प्रोजेक्ट बनाना होगा, ठीक है ना। लेट मी शो प्रैक्टिकली। सो हम लोग क्या क्या प्रैक्टिकली दिखाएंगे, हाउ टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। पहले प्रोजेक्ट होता क्या है कि हाँ मैं एक नया काम करने जा रहा हूँ, तो एक नया प्रोजेक्ट बनाना, पहले सबसे पहले जावा प्रोग्राम लिखने के लिए एक नया प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक। और उस प्रोजेक्ट के अंदर फिर एक नया क्लास ऐड करना पड़ेगा, जिसे मैंने दिखाया था ना कि क्लास होता है, तो एक प्रोजेक्ट मतलब मैं एक नया काम करने जा रहा हूँ। अब उस नए काम में बहुत सारे क्लास को मैं ऐड कर सकता हूँ, उसमें एक कोई एक नया क्लास ऐड करोगे, एडिंग अ न्यू क्लास, ठीक है ना, कैसे करोगे वो मैं अभी दिखाऊंगा। और उसके बाद न्यू क्लास जब आपका ऐड हो जाए तो क्लास को चेंज कैसे करना, मतलब उसको एडिट कैसे करना है, ठीक है ना। एक हेलो वर्ल्ड नाम का इसमें क्लास बनाया गया है, हम हेलो वर्ल्ड नाम रख सकते हैं, कोई और भी नाम रख सकते हैं। सो एडिट करेंगे उसको, उसको कंपाइल करेंगे, उसको रन करेंगे, उसमें अंदर चेंजेस करके उसको सेव करेंगे, और फिर जब ये पूरा क्लास बन जाएगा तो उससे नए ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है ये और डिटेल में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, हमने पहले बात किए थे क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, जावा क्लास और जावा ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ठीक है ना। तो एक उस पर हम थोड़ा डिटेल करेंगे। बेसिकली ऑब्जेक्ट इज अ क्लास इज अ ब्लू प्रिंट फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट जो है एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है, ठीक है ना। सो एक ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे और एग्जीक्यूट कैसे करेंगे उस प्रोग्राम को, ठीक है ना। फिर और अगर इसके बाद है सेविंग आउटपुट फ्रॉम द कंसोल विंडो, अगर आपको सेव करना है तो उसको कैसे करोगे, और प्रिंटिंग अ सोर्स कोड, प्रिंट करना है तो कैसे करोगे, प्रोजेक्ट को क्लोज कैसे करोगे, उसमें मेन मेथड क्या होता है, ठीक है ना। ओके, तो इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं, फिर हम थियरी पे वापस आते हैं, ओके। सो प्रैक्टिकली हम ब्लूजे स्टार्ट कर रहे हैं, तो ब्लूजे को आपने स्टार्ट बटन पे गए, वहाँ से ब्लूजे सर्च किया और स्टार्ट किया, और लेट मी चेंज माय प्रैक्टिकल विंडो टू ब्लूजे नाउ, वन सेकेंड, ठीक। तो ये हो गया हमारा ब्लूजे, खुल गया। अब ब्लूजे में सबसे पहले मैंने क्या बताया, प्रोजेक्ट कैसे ऐड करते हैं, वंस ब्लूजे इज ओपन स्टार्ट बटन से, न्यू प्रोजेक्ट के लिए आप प्रोजेक्ट पे जाओगे, न्यू प्रोजेक्ट, इसमें जो भी आपको मन करे वो नाम डाल सकते हो, फर्स्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट, ओके। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट ऐड हो गया, ओके। देन अब एक जब फर्स्ट प्रोजेक्ट हो गया तो मैंने इसमें क्या बताया था आपको कि आपको इसके अंदर न्यू क्लास ऐड करना है, प्रोजेक्ट मतलब कि ये काम मैं करने जा रहा हूँ, इसमें अब मल्टीपल आप क्लास ऐड कर सकते हो, तो इसमें हम क्या करेंगे, नया क्लास, क्लास का नाम मैं हेलो वर्ल्ड रख लूँ, या कोई और नाम आप चाहते हो तो वो भी रख सकते हो, हेलो वर्ल्ड वन, ठीक है ना। तो ये एक क्लास क्रिएट हो गया। अब जब ये क्लास क्रिएट हो गया उसको आप खोल के देख सकते हो, ठीक है ना। सो आप खोल के देखोगे तो इसके अंदर एक बाय डिफॉल्ट जो है कुछ कोड ऑलरेडी ऐड हो गया होगा, बेसिकली वो कैसा होगा, जैसे अभी
मैंने बात किया, इसमें कुछ बाय डिफॉल्ट कुछ मेथड्स होंगे, चीज़ें होंगी जो हमारे यूज़ के नहीं है, तो इसको आप रख भी सकते हो या इसको हटा भी सकते हो, ठीक। और इसके अंदर नए मेथड्स भी लिख सकते हो, जैसे ये सारा कोड मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए, ठीक। और जो आपके बुक में प्रोग्राम लिखा हुआ है वो हम लिखेंगे। तो ये हो गया हाउ टू ओपन अ प्रोजेक्ट, उसमें न्यू क्लास कैसे ऐड करना है और एडिट कैसे करना है। तो मेरा ऑलरेडी ये क्लास का नाम है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर था, राइट। अब इसमें ये हो गया क्लास डिक्लेरेशन, इसके अंदर मुझे मेथड डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, मैंने जो बताया था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर फिर स्ट्रिंग आर्क्स, ठीक। और ये हो गया मेरा मेथड डिक्लेरेशन, ये हो गया, ओके। तो अब ये मैं इसको सेव, कंट्रोल एस कर दूं तो मैं सेव हो जाएगा, या कहीं से भी मतलब प्रोजेक्ट सेव इससे सेव करोगे तो भी सेव हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका सेव बटन। और अब सेव करने के बाद मैंने अभी इसको मैं रन करूंगा तो कोई आउटपुट नहीं आएगा। मैं सपोज सिस्टम, मुझे कुछ स्क्रीन पर प्रिंट करना है, तो मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, राइट। और ये हो गया, तो मुझे कोई चीज़ अगर प्रिंट करनी है नहीं, तो मुझे इस तरह सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन लिखना, और जो मुझे प्रिंट करना है वो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है ना। तो जो लिखूंगा वो स्क्रीन पे आ जाएगा। तो वंस ये हो गया, इसको आप सेव किए, चाहे यहाँ से सेव करो चाहे यहाँ से सेव करो, क्लास सेव के अंदर से। और फिर सेव करने के बाद इसको कंपाइल करोगे, आप कंपाइल करोगे, अगर कोई एरर नहीं है इसमें तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा नो सिंटैक्स एरर, ठीक। सो अब कंपाइल हो गया तो आप पीछे वापस आ सकते हो, इस प्रोग्राम को चाहो तो इसको क्लोज कर सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको रन कर सकते हो। सो रन आप कैसे करोगे, void main string args, जो आपका मेन फंक्शन, यहाँ से आप उसको रन करोगे और आपको स्क्रीन पे जो भी आपने पहले डाला था, राइट, फर्स्ट प्रोग्राम, वो आउटपुट यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो ये एक तरीका है प्रोग्राम रन करने का, समझ आया आपको। तो ये हो गया कंपाइल, रन कंप्लीट है आपका, इसको आप क्लोज करो वापस। आप अगर कोड में जाते हो तो यहाँ से आप कंपाइल करते हो और यहाँ से सेव करते हो, प्रिंट करना है तो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो, ओके, और रन आप कर सकते हो, ठीक। तो ये हो गया हाउ टू रन अ फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो मैंने पहले प्रोजेक्ट बनाया, उसके अंदर क्लास बनाया, उसके अंदर मैंने क्लास को एडिट किया, उसको सेव किया अपने हिसाब से। और कुछ मुझे और चाहिए, अच्छा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, जैसे मैं बताया, अगर तो आप यहाँ पे कुछ और लिखते हो, जैसे कि फर्स्ट प्रोग्राम, और यहाँ पे लिख देते हो 2+3, राइट। तो ये उसके आगे की चीज़ें भी करने लग जाएगा, लाइक कंपाइल, और इसको अगर मैं क्लोज करूँ अगर, और इसको भी रन करूँ मैं, तो ये रन हो जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रोग्राम 5, मतलब 2+3 5 होता है, इसलिए यहाँ पे। तो ये दिस इज हाउ यू प्रोग्राम को कंपाइल करते हो और रन करते हो और सेव करते हो। प्रिंट प्रिंट का और भी ऑप्शन है, जैसे मैं वहाँ से भी दिखाया था, और यहाँ से भी सेव एज और प्रिंट का ऑप्शन आता है, ठीक है ना, ओके। सो इसके बाद आई थिंक ठीक है, देखते हैं हम लोग कहाँ तक कंप्लीट कर लिए, उसके बाद की चीज़ें हम और देख वो कर रहे हैं। सो लेट मी गो टू बुक। सो हमने कहाँ तक पढ़ लिया बुक में, बुक में हमने देखा हाउ टू स्टार्ट अ जावा ब्लूजे। तो पहले हमने प्रोजेक्ट कैसे बनाया, या अगर आप वापस हम इस चीज़ पे आते हैं तो वी सिलेक्टेड न्यू प्रोजेक्ट ऑप्शन, प्रोजेक्ट का डायलॉग बॉक्स आया, हमने नाम डाला, जो भी फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो भी नाम डालना आप डाल दिए, वो कंपाइल हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद वंस यू सिलेक्टेड द लोकेशन, टाइप द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, क्रिएट, मोमेंट यू क्रिएट जैसे क्लिक करोगे वैसे एक फोल्डर बन जाएगा, समझ में आया। तो ये एक्सप्लेन ऑलरेडी, एडिंग ए न्यू क्लास, अगेन आप प्रोजेक्ट, उस जो भी प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किया उसमें गए और ओपन प्रोजेक्ट किया, या मतलब जो ऑलरेडी बन चुका है उसको ओपन कर सकते हो, नहीं तो न्यू बना सकते हो। न्यू अगर एग्जिस्टिंग है तो ओपन प्रोजेक्ट करके नया प्रोजेक्ट ओपन किया और उसमें एक न्यू क्लास करके बटन क्लिक करके उस पर क्लास को ऐड किया, ठीक है ना, और न्यू क्लास आपने बना दिया। सेम चीज़ें लिखी हुई हैं, हाउ टू ऐड ए न्यू क्लास, क्रिएट न्यू क्लास बटन है, यू कैन, ठीक है, गेट योर प्रोजेक्ट विंडो, ठीक। उसके बाद एडिटिंग है, अब क्लास को एडिट करना है तो यहाँ पे इस पर जो भी चीज़ था इस पर राइट क्लिक किया और ओपन एडिटर किया, तो वो एडिटर आ गया, और उसमें जो भी चेंजेस करने हैं तो कर दे। कंपाइलिंग कैसे करोगे,
अब ये जो तुमने मैंने ओपन किया है, ऑलरेडी पहले से कुछ कोड होंगे, उसको तुम चेंज कर दो, डिलीट कर दो। पहले से बाय डिफॉल्ट कुछ प्रोग्राम ब्रूचे देता है ताकि आप इजीली उसको सही से लिख सको, तो उसको हटा के आप अपना कोड लिख सकते हो, राइट, और उसको सेव कर सकते हो पब्लिक क्लास पे जाके, ठीक है। तो उसको सेव किया, ठीक, ये हो गया हाउ टू रन। और उसके बाद मैंने कंपाइल और रन बताया था। इसके बाद कुछ और भी चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स इन ब्लूजो। हमने बताया था कि क्लास क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट, एक नक्शा या एक प्रोटोटाइप जिससे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। तो एक अब ये जो क्लास बना है, इससे आप ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, रियल वर्ल्ड की चीज़ें बना सकते हो, तो आप नए नए ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। ओके, तो हम अब देखेंगे हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ क्लास। एग्जीक्यूटिंग एन ऑब्जेक्ट मेथड, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है ना। अगर उसके अंदर मल्टीपल मेथड्स हैं तो उसको कैसे रन करना है, ठीक है ना। सेविंग आउटपुट फ्रॉम द कंसोल विंडो, सो अगर जो भी कंसोल पे विंडो पे आउटपुट है उसको कैसे सेव करेंगे। प्रिंटिंग सोर्स कोड कैसे करेंगे, ये भी मैंने बताया था। क्लोजिंग और ऑप्शंस ऑन ओपनिंग ऑन एग्जिस्टिंग ब्लूजे प्रोजेक्ट, तो ये मैंने बता दिया था। लेट्स वापस हम स्क्रीन पे जाते हैं और इसको कवर करते हैं। हम कवर करेंगे क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स और एग्जीक्यूटिंग, हमने देख लिया है, फिर भी देख लेंगे सेविंग, प्रिंटिंग, ठीक है, और मेथड मेन, ठीक है ना। सो लेट्स गो बैक, तो हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड एग्जीक्यूट एन ऑब्जेक्ट मेथड, ठीक। सो लेट्स गो, यहाँ पर अगर हम वापस आए ब्लूजे स्क्रीन पे, तो ऑब्जेक्ट ये हमने क्लास देखा था, राइट, और क्लास में ये मेन मेथड था डिफरेंट वो, ठीक। इसको अब मेरे को इसका अगर ऑब्जेक्ट बना, पहले तो इसको मेरे को कंपाइल करना पड़ेगा। कुछ एरर आ गया, कि यहाँ पे कुछ, ठीक है, तो इसलिए ये मैं कंपाइल करूँगा तो मैंने बोला ना कि जावा एरर दिखा देता है ब्लूजे, तो ये एरर खत्म हो गया। अब मैं इसको जब कंपाइल करके अब इससे मेरे को ऑब्जेक्ट बनाया, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है न्यू हेलो वर्ल्ड वन, ठीक है ना। इसको आप जब आप क्लिक करोगे तो आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। मैं इसका नाम दे देता हूँ ऑब्जेक्ट वन, तो एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं कि आप एक ही बनाते हो, ऐसे कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ऑब्जेक्ट टू उस क्लास के मल्टीपल, और हर ऑब्जेक्ट के पास सेम क्लास के एट्रीब्यूट्स होंगे। तो अब ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, हर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके उसके अंदर के, मतलब इसमें तो कोई और मेथड है नहीं, सिर्फ मेन मेथड है। मान लो इसमें कोई और मैं मेथड ऐड कर दूं, पब्लिक वॉइड हे, ओके, ये मैंने एक नया मेथड ऐड किया, ओके। अब मैं अगर अब इसको कंपाइल करूं, और ये करता क्या है, ये कुछ भी प्रिंट कर दे, ठीक है ना। तो इसको मैंने कंपाइल किया। अब एक और चीज़ है, जैसे मैंने इसको कंपाइल किया तो आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट डिलीट हो गए, क्यों, क्योंकि अब मैंने क्लास को चेंज कर दिया। और मैंने बोला था ना कि ऑब्जेक्ट जो है क्लास से बनते हैं, तो अगर क्लास ही चेंज हो तो ऑब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक। तो फिर से मुझे ऑब्जेक्ट्स बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट वन या जो भी नाम डालना आपको, ऑब्जेक्ट वन, ठीक है, और दूसरा तीसरा जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऑब्जेक्ट टू, ठीक। सो ये हो गए। अब इसमें जो भी मैंने मेन मेथड जो नहीं है, मेन मेथड क्या है, वो आप डायरेक्ट यहां से कॉल कर सकते हो, ठीक है ना, वॉइड मेन, उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी जो है इन पे जो मैंने एक्स्ट्रा फंक्शंस ऐड किए हैं उसको आप यहाँ से कॉल कर सकते हो, ठीक है ना, वो कॉल हो जाएगा। इस पे राइट क्लिक करके कोई भी जो भी मेथड आप चाहते हो उसको कॉल कर सकते हो, ठीक। तो दिस इज हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, हाउ टू एग्जीक्यूट एन ऑब्जेक्ट मेथड, राइट क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट एंड कॉल द रेलिवेंट मेथड, ठीक। और दूसरी चीज है, जब मैं तो मैंने बाकी आपको बताया कि हाउ टू कंपाइल एंड रन, ठीक है। तो ये स्क्रीन आया, अब इसको मेरे को अगर सेव करना, सेव टू फाइल, तो यहाँ पे ऑप्शन पे गया सेव टू, ठीक है, सेव टू फाइल, जिस भी जो भी आपको नाम डालना वो आप डाल दो, ओके ओके, एंड ये फाइल सेव हो जाए। तो दिस इज हाउ टू सेव। प्रिंट का मैंने ऑलरेडी बताया था कि आप यहाँ से, सॉरी, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है ना। और इसके बाद अगर मैं इसको क्लोज कर दूं, तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने अभी बात की थी कि मैंने जो फाइल लिखा है ये डॉट जावा फाइल, अगर मैं इस प्रोजेक्ट को ओपन करूं, ठीक है ना, मैं अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट में जाऊं, सो लेट्स सी, आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आई गेस, लेट मी फिगर आउट वन सेकंड। जस्ट अ सेकेंड,
सो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट अभी आपको दिख रहा था, अगर इसको ओपन करोगे तो आपको कुछ फाइल्स दिखेंगी जो अपने आप बिल्ड हो जा रही है। लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मैंने जब उस प्रोजेक्ट को ओपन किया तो आप यहाँ देखोगे डॉट जावा नाम का एक फाइल मिल गया है, ठीक है ना, जो मैंने अपने कोड में लिखा है। और इसको अगर आप ओपन करोगे तो इसके अंदर जो भी आपने लिखा है वो अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओपन विथ, मान लो सो इसमें जो आपने कोड लिखा है वो इसमें है, और मैंने बोला कि ऑटोमेटिकली एक डॉट क्लास नाम का फाइल बनता है जो कि है बाइट कोड, ठीक है। और तो ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले थोड़ा बताई थी, ये ऑटोमेटिकली फाइल्स बन गए हैं। तो डॉट क्लास को अगर कभी आप ओपन करोगे तो आपको दिखेगा उसमें वियर्ड सा कुछ लैंग्वेज होगा, और वो वियर्ड लैंग्वेज जो है वो बाइट कोड है, ठीक, समझ गया। तो आप अपने प्रोजेक्ट में जाके आप देख सकते हो एक बार कि ये किस तरह का दिखता है, ठीक है ना। और आई थिंक दैट्स इट, मतलब लास्ट उससे। फिर उसके बाद और प्रैक्टिकल के नाम पे हम क्या कर सकते हैं, लेट्स कम बैक टू आवर ओरिजिनल। ओके, सो अगर हम वापस से आए अपने बुक पे तो देखें हमने क्या कवर कर लिया, कुछ बचा है क्या। सो हमने देखा हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स इन ब्लूजे, ठीक है ना। सो न्यू, इस पर आप क्लिक करोगे आपका ऑब्जेक्ट का नाम आ जाएगा, और जितनी बार क्लास को कंपाइल करोगे वो ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएंगे, फिर से आपको ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक। ऑब्जेक्ट अगर कोई मेथड अगर आपने लिखा हुआ है तो उसको कॉल कैसे करोगे, ऑब्जेक्ट नेम पर क्लिक करोगे अपने आप राइट क्लिक करके वो ऑप्शन आ जाएगा, एंड यू कैन क्लिक ऑन रन दोज मेथड्स, ठीक है ना। और मेन मेथड जो है आप डायरेक्टली क्लास पे क्लिक करके रन कर सकते हो, नॉन जो मेन मेथड नहीं है उनके लिए आपको ऑब्जेक्ट बना के उस पर से कॉल करना। सेविंग आउटपुट मैंने बता दिया था, प्रिंटिंग बता दिया था, क्लोजिंग प्रोजेक्ट मैंने बता दिया क्लोज, ठीक है ना। और ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट सिंपल है, जहाँ प्रोजेक्ट है वहाँ ओपन, ऊपर प्रोजेक्ट बटन जो है वहाँ ओपन क्लिक करोगे और प्रोजेक्ट का नाम लो। अब इसमें आप देखोगे कि मेन मेथड नाम का एक चीज़ है, मैंने पहला हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखा था उसमें एक मेन मेथड था, और मैंने इससे पहले भी बात की है कि मेन मेथड इज बेसिकली द मेथड विच विल रन ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। तो उस मेथड में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नाम का एक मेथड था, अपने आप इसके अंदर जो कोड लिखते हो वो स्क्रीन पे आउटपुट हो जाता है, ठीक है ना। तो हर एक स्टैंड अलोन जावा प्रोग्राम में हमेशा एक मेन मेथड होना चाहिए, ठीक है। सो रिकॉल दैट जावा प्रोग्राम कैन बिकम स्टैंड अलोन ओनली इफ, सो अगर स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, मतलब इंडिपेंडेंट अगर एप्लीकेशन है तो उसमें एक मेन मेथड होना ही चाहिए, नहीं तो उसको पता ही नहीं है कि प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कहाँ से करना है। तो एक मेन मेथड इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, सो ऑलवेज आप देखोगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आपको हमेशा कोड में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे वो इसे चीज बता रहे हैं, जावा स्टैंड अलोन एग्जीक्यूशन बिगिन फ्रॉम मेन मेथड, देयरफॉर टू एग्जीक्यूट एनी अदर जावा मेथड यू नीड टू एग्जीक्यूट इट थ्रू मेन, ठीक है। तो ये एक मेन मेथड चाहिए, बाकी और एक्स्ट्रा मेथड था ऐड कर सकते हो, ठीक। तो दिस इज व्हाट इज अ जावा मेन मेथड। जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है ना। तो अगर आप जावा में मेन लिखते हो, मेन लिखते हो, मेन लिखते हो, तीनों अलग चीजें हैं, तो आपको हमेशा स्मॉल कैप एलिमेंट्स में लिखना पड़ेगा, क्यों, जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक। दिस इज हाउ हाउ टू रन मेन मेथड, आपने मैंने बताया था, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो वॉइड मेन करके आएगा, इसको ओके करो अपने आप मेन मेथड बन जाएगा, ठीक। सो दिस इज हाउ, दिस इज चैप्टर टू लेक्चर टू, एंड इसमें हमने लेक्चर टू में क्या पढ़ा, ब्लूजे एनवायरनमेंट के बारे में, हाउ टू रन, हाउ टू राइट अ सिंपल जावा प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट, और बहुत सारे ऑप्शंस, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे, ठीक है। और दैट्स इट, सो आई गेस आपको समझ में आया, कोई डाउट्स है तो आप नेक्स्ट क्लास में देख सकते हैं। ओके, बाय बाय।